देश में लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए तरह तरह की जुगत लगाते हैं, कई बार अवैध तरीके भी अपनाते हैं। इनकम टैक्स बचाने के ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिसमें गलत तरीके से टैक्स बचाने के चक्कर में लोग अपना ही नुकसान भी कर बैठते हैं। लेकिन ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश की सरकार ने ही टैक्स बचाने के लिए कई ऑप्शन दे रखे हैं। फिर हेरा फेरी क्यों करनी है? इन तरीकों का इस्तेमाल हर टैक्स पेयर कर सकता है और ये सारे तरीके वैध हैं। तो चलिए आज आपका भी टैक्स बचाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1962 में कई ऐसे प्रावधान हैं जिनकी मदद से टैक्स पेयर टैक्स की बचत कर सकते हैं। देश की सरकार ऐसी कई स्कीम चलाती है जिनमें निवेश कर आप इनकम टैक्स पर छूट पा सकते हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF। इस स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। इस पर फिलहाल 7.1% की दर से ब्याज मिल रहा है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप PPF में सालाना 1.5 लाख रुपए के निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं। PPF में निवेश पर सरकार गारंटी देती है, यानी पैसा डूबेगा नहीं। टैक्स पर छूट पाने के लिए आप इसके अलावा यानी PPF के अलावा सुकन्या समृद्ध योजना में भी निवेश कर सकते हैं। ये भी एक बेहतर तरीका है। केंद्र सरकार की स्कीम बेटियों के लिए है। इस स्कीम में निवेश की रकम पर फिलहाल 7.6% की दर से इंटरेस्ट मिल रहा है। इसमें भी सेक्शन 80C के तहत ही टैक्स में छूट मिलती है। पहले इस योजना में 2 बेटियों के खाते पर ही 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है। नए नियमों के अनुसार सुकन्या समृद्ध योजना में 1 बेटी के बाद अगर 2 जुड़वा बेटियां भी पैदा हो जाती हैं, तो उनके खाते पर भी टैक्स में छूट मिलेगी। इसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS में भी निवेश कर आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। इसमें सालाना 1.5 लाख रुपए और धारा 80CCD 1B के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपए का निवेश कर सकते हैं। NPS में निवेश कर आप इनकम टैक्स में कुल 2 लाख रुपए की टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। इससे अगर आगे बढ़ें तो सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक स्कीम है जिसमें आपको टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है। ये भी टैक्स पेयर्स के लिए एक शानदार स्कीम है। इसके तहत पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में सेविंग अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट में जमा रकम पर 80C के तहत ही इनकम टैक्स की छूट दी जाती है। इसमें अधिकतम सालाना 1.5 लाख रुपए निवेश आप कर सकते हैं। इस स्कीम में निवेश पर फिलहाल 7.4% की दर से ब्याज मिल रहा है। इन सारी स्कीमों के अलावा टैक्स पेयर्स हाउसिंग रेंट, लीव ट्रेवल अलाउंस, बच्चों के लिए एजुकेशन लोन के ब्याज और होम लोन के ब्याज पर भी टैक्स में छूट ले सकते हैं आप। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी टैक्स में छूट मिल सकती है। होम लोन पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। कुल मिलाकर ये सारे तरीके ऐसे हैं जो अवैध नहीं है, यानी आपको किसी भी अवैध तरीके से टैक्स बचाने से पहले इन तरीकों पर भी गौर करना चाहिए। इन्हें अपनाकर देखिए, आपको लाभ होगा।